हिमालय के खूबसूरत बर्फपोश पहाड़ों के दामन में फैली 84,000 मुरब्बा मील पर मुश्तमिल रियासत जम्मू कश्मीर एक ऐसा खित्ता बेमिसाल है जिसकी दिलकशी और रानाई हर दौर के हुक्मरानों की तवज्जो और जाज़बियत का महवर रही। 88% मुस्लिम आबादी पर मुश्तमिल इस रियासत को तीसरी कबल मसीह में अशोक सुल्तनत में शामिल किया गया। 1587 में ये रियासत मुगलिया सल्तनत में शामिल हुई। 1846 में अंग्रेजों के बरसगीर पर कब्जे के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस खूबसूरत रियासत को महज 75 लाख नानकशाही सिक्कों के इवज डोगरा राजा गुलाब सिंह को फरोख्त कर दिया। गुलाब सिंह की वफात के बाद इसका बेटा हरि सिंह इस रियासत का हुक्मरान बन गया। यही वो दौर था जब रियासत के मुसलमानों को हिंदुओं और डोगरों जैसी अकलियत के नारवा सलूक का सामना करना पड़ा। रियासत के चप्पे चप्पे पर डोगरा हुक्मरानों के जुल्म की दास्तानें जुबान जद आम थी। डोगरा के जुल्म के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाकर हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाता था। ऐसे में 1915 में पुंछ के इलाके रावलाकोट के नवाही इलाके हुरनामेरा में सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने जन्म लिया। इस बच्चे की चमकती पेशानी और बेदार जहन रोजे अव्वल से इसकी महकूमियत से बेजारी की अलामत जाहिर कर रहे थे। आपने इब्तदाई तालीम अपने ही इलाके से हासिल की। हुसूल तालीम के लिए आपको रोजाना 2 घंटे तक पैदल सफर करना पड़ता था, मगर ये कठिन सफर आपके हुसूल इल्म के शौक को कम न कर सका। आपने मैट्रिक इम्तिहान पुंछ हाई स्कूल से इम्तियाजी नंबरों के साथ पास किया। बाद अजां आप ग्रेजुएशन के लिए इस्लामिया कॉलेज लाहौर चले गए। ये सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के लिए मुशाहिदात का एक नया दौर था, जब आपको महसूस हुआ कि इनकी रियासत के लोग बहुत से बुनियादी इंसानी हकूक से महरूम हैं, जिसमें अच्छी तालीम के यकसा मौके, बेमहल जिजिये और टैक्स और सबसे बढ़कर इंसानी एहतराम से आरी रवैये जो अहले रियासत के वकार के हद दर्जा मुनाफी थे। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जानते थे कि उनका मुकाबला डोगरा जैसे हाकमों से है, लिहाजा जरूरी था कि वो जदीद इल्म के हथियार से लैस होकर खुद को इनके मुकाबले के लिए तैयार करें। चनाचे इसी सोच को अमली जामा पहनाने के लिए आप आला तालीम के लिए बरतानिया रवाना हो गए। आपने लंदन यूनिवर्सिटी से LLB और बाद अजां लिंकन इन से कानून की आला तरीन डिग्री हासिल की। 12 लाख के बाद आप वापस रियासत जम्मू और कश्मीर आ गए, जहां महाराजा ने आपको रियासती इंतजामी मशीनरी का हिस्सा बना लिया। महाराजा का ख्याल था कि सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान इनकी हाकमियत को मजबूत करने और इनके नुमाइंदे की हैसियत से काम करेंगे, मगर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान बरतानिया में इंसानी हकूक का अपनी महकूम रियासत जम्मू कश्मीर से बार बार मुआवजा करने के बाद रफ्ता रफ्ता इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि उन्हें अपने महकूम लोगों को इस नारवा सितम से आजाद कराने के लिए एक तवील जद्दोजहद का आगाज करना होगा। यही वजह है कि आपने 1946 में असिस्टेंट ऑडिटर जनरल के ओहदे को ठोकर मारते हुए सियासी जद्दोजहद करने का फैसला कर लिया। वो असेंबली में बैठे अप्रैल 1947 में और वो 24 अक्टूबर 1947 जो है वो बागी हुकूमत के सदर बन गए। तो ये बड़ा तेजी से, क्योंकि ये सोच उनकी बचपन से उनके जहन में बनी। फिर वो खुद लिखते हैं, वो बरतानिया का जो तफसील लिखते हैं अपनी किताब में, उससे पता लगता है कि वहां उनकी कितनी वो जो सियासी परवरिश हुई, फिर सियासी ग्रूमिंग हुई, फिर उन्होंने देखा, उन्होंने बैन अल-अक़वामी, मतलब शेख अब्दुल्ला जैसे लीडर को यह मौका नहीं मिला था जो सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को मिला। खुसूसन दूसरी आलमी जंग में वो रहा है, वो कहते हैं मैंने बरतानिया को कौम को देखा और उनकी अजमत देखी, तो मुझे ख्याल आया कि इनके खिलाफ जो है जद्दोजहद बड़ी लंबी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी लड़ने वाले लोग हैं, ये भी एडवर्सरी फेस करने वाले लोग। कश्मीर की तहरीक ऑलरेडी चल रही थी जो शेख अब्दुल्ला ने और चौधरी गुलाम आबाद साहब ने 1931 में शुरू की, लेकिन ये तहरीक बड़ी महदूद सी थी। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर महाराजा की हुक्मरानी के साथ साथ ये सेल्फ रूल की तहरीक थी कि हमें अपनी हुकूमत जिम्मेदाराना निज़ाम हुकूमत चलाने का मौका दिया जाए। ये महाराजा के खिलाफ नहीं थी, ये महाराजा के हुक्मरानी के अंदर एक वो सेल्फ रूल की तहरीक थी। जबकि सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब जब आए और उन्होंने पहले महाराजा की हुकूमत के एक एहलकार के हवाले से काम शुरू किया, पहले वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, वहां से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, फिर वहां से वो असेंबली के मेंबर इलेक्ट हो गए। लेकिन उनकी बुनियादी सोच ये थी कि ये महाराजा के मातहत जो है अब ये निजाम नहीं चल सकता। ये वो वक्त था जब बरसगीर में कयाम पाकिस्तान की जद्दोजहद अपने उरूज पर थी। मुसलमाना ने हिंद अल्लामा मोहम्मद इकबाल के नजरिए और सोच के मुताबिक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की वलवला अंगेज क्यादत में बरसरे जद्दोजहद थे। हर लब पर एक ही नारा था, लेके रहेंगे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह।
रियासत जम्मू कश्मीर में मुसलमानों के खिलाफ डोगरा महाराजों के नारवा सलूक के सबब ही 1933-34 में कानून साज असम्बली के इंतखाबात में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने रियासती असम्बली की 21 में से 16 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके अपनी वाजे सियासी बरतरी का इजहार कर दिया। शोमिया किस्मत के 1939 में हिंदुओं की साजिशों और अंग्रेजों की आशीर्वाद से शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की पीठ में छुरा घोंपकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से अलग सियासी जमात बना ली। आजादी पसंद मुसलमान चौधरी गुलाम अब्बास की क्यादत में मुसलमानों ने रियासत के हुकूक की जंग लड़ते रहे। शेख अब्दुल्ला जो अलीगढ़ से फारिग तहसील थे ने कमाल महारत से मुसलमानों के खिलाफ होने वाली ज्यादतियों के अजाले के नाम पर अपनी जमात को वादी कश्मीर में मकबूल बना दिया, मगर इनके पेश नजर मुसलमानों की आजादी और वकार के बजाय इक्तदार की कुर्सी थी। अगरचे उन्होंने नजरबंदी का सामना भी किया। 1947 में जब तकसीम हिंद के मनसूबे का ऐलान हुआ तो शेख अब्दुल्ला असीरी के दौरान ही कांग्रेसी रहनुमाओं की दिलफरेब साजिशों का शिकार हो गए। 3 जून 1947 को तकसीम हिंद के मंसूबे के तहत रियासतों को यह इख्तियार हासिल हो गया कि वो अपनी आबादी के तनासुब और जग्राफियाई महल वकूह के एतबार से पाकिस्तान या भारत जिससे भी चाहें इल्हाक कर लें। इस एतबार से जूनागढ़ की रियासत भी पाकिस्तान का हिस्सा बन रही थी और वहां के नवाब ने पाकिस्तान से इल्हाक का फैसला भी कर लिया था। इसी उसूल के तहत रियासत जम्मू और कश्मीर 88% मुस्लिम आबादी और रियासती असम्बली में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वाजे अक्सरियती मुस्लिम जमात की नुमाइंदगी के उसूल के तहत पाकिस्तान का हिस्सा बनना थी, मगर रियासत के महाराजा हरि सिंह ने कांग्रेस के साथ गठजोड़ करके शेख अब्दुल्ला से जमीर का सौदा कर लिया। यूं ये रियासत 27 अक्टूबर 1947 को भारतीय कब्जे में चली गई। इस मौके पर चौधरी गुलाम अब्बास और उनके साथियों को बदस्तूर कैद रखा गया, जबकि सौदेबाजी करने वालों को रिहा कर दिया गया, जिनमें शेख अब्दुल्ला भी शामिल थे। इस खुली गद्दारी के बायस रियासत जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे को दवाम मिलता चला गया। दूसरी जानिब मुतासिब डोगरा जंग सिंह को कश्मीर का वजीर आजम बनाकर इनके लिए इब्तलाओ आजमाइश के एक नए दौर का आगाज कर दिया गया। इस जालिम हुक्मरान ने महाराजा कपूरथला और महाराजा पटियाला को मुस्लिम अक्सरियत मिटाने के लिए बहसियत माहिरीन नस्ल कुशी जम्मू कश्मीर बुलाया। फिर जम्मू में मुसलमानों का कत्लेआम करके दहशत और सफाकियत का वो घिनावना खेल शुरू किया गया कि इंसानियत इस सुलूक पर रहती दुनिया तक नादिम, अफसरदा और शर्मसार रहेगी। इस कत्लेआम जैसे भारत की अफवाज की सरकारी सरप्रस्ती भी हासिल थी, में सिखों इंतहा पसंद हिंदू तंजीम RSS ने लाखों मुसलमान गाजर मूली की तरह काट दिए। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान जो 1946 में राज्यसभा के दौर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट पर रुकन असम्बली मुंतखब हुए, तारीख के एक एक वर्ग को अपने सामने पलटते हुए देख रहे थे। शेख अब्दुल्ला की गद्दारी और चौधरी गुलाम अब्बास की गिरफ्तारी के बाद अब सियासी जद्दोजहद का बोझ सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के कंधों पर आन पड़ा। तो वो दूसरे मजहब का बड़ा एहतराम करते थे और उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि एक जगह डिस्कस हुआ कि ये जो हिंदू अब हमारे कब्जे में हैं और खास करके मर्द औरतें बच्चे भी थे, तो वहाँ डिस्कस हुआ कि इनको कत्ल कर दिया जाए। उनका मैं इस चीज़ का हुक्म नहीं दे सकता, तो कहते हैं जो फौजी नुमाइंदगी थी वहाँ उन्होंने मेरा साथ दिया। जो सियासी थे उन्होंने कहा कि ये नारीशुमारी में ये वोट हमारे खिलाफ इस्तेमाल, तो इस किस्म की चीज़ का कभी उनका मैंने कभी वो किताबें भी लिखते हैं कि मैंने कभी किसी को कत्ल करवाने का सोचा ही नहीं। आपने कमाल सियासी महारत और बसीरत का मुजाहरा करते हुए 19 जुलाई 1947 को अपने घर आबी गुजर श्रीनगर में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जनरल कौंसल से करारदाद इलाके पाकिस्तान मंजूर करवा के कश्मीरियों की सियासी समत मुतय्यन कर दी। आरजू का बुलंद आसमां और है, ले ले किस्मत अगर इम्तहान और है। कश्मीरियों के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के फैसले के पसे पर्दा वो हकायक कार फरमा थे जो बजाते खुद और बजुबान हाल अपनी हकानियत की दलील थे। रियासत की 88% आबादी मुसलमान थी और पाकिस्तान का कयाम ही दो कौमी नजरिए यानी हिंदू मुस्लिम की बुनियाद पर हुआ था। जम्मू कश्मीर की तिजारती राहदारियां और मंडियां लाहौर, सियालकोट और रावलपिंडी थीं। रियासत के लोग आपस में तहजीबी, तमदनी, सकाफती रिश्तों से मुंसलिक थे। ये तमाम शवाहिद रियासत के पाकिस्तान के साथ इल्हाक के फैसले के लिए काफी थे, मगर डोगरा और भारत ने इन हकायक और अवामी उमंगों का खून कर दिया। 19 जुलाई 1947 की करारदाद इल्हाक के पाकिस्तान में इल्हाक के फैसले के ऐलान के साथ वाजे तंबीह की गई थी कि अगर कश्मीरियों की अक्सरियत के जज्बात का एहतराम न किया गया और पाकिस्तान से इल्हाक न होने दिया गया तो कश्मीरी मुसल्ला जिद्दोजहद का हक महफूज रखते हैं।
चनाचे इस करारदाद के हक में और डोगरा से आजादी के लिए जलसे जुलूसों का आगाज हो गया। इन जलसे जुलूसों के एहतमाम का सेहरा सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान के सर था। डोगरा हुक्मरान इन जलसे जुलूसों में अवामी शमूलियत से इस कदर खायफ हुए कि महाराजा ने खुद मुख्तार रियासत जम्मू कश्मीर के कयाम पर आमादगी जाहिर कर दी, मगर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने यह तस्लीम करने से साफ इनकार कर दिया। इस दौरान उन्होंने अपने दूसरे साथियों से मिलकर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तंजीम नौ की और दूसरी जंग अजीम के 80,000 फौजियों और दीगर रजाकारों पर मुश्तमिल 2.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल अस्करी ताकत को मुश्तम करके मजाहमत का फैसला किया। इंतहा पसंद हिंदू डोगरा के कत्लेआम का सिलसिला उधमपुर, कठुआ और डोडा से होता हुआ राजौरी पुंछ पहुंचा, तो यहां चौधरी गुलाम हुसैन लिसानवी ने कायदाना किरदार अदा किया। मजाहमत की इस तहरीक के दौरान सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने डोगरा हुक्मरानों के वारंट गिरफ्तारी के बावजूद श्रीनगर से एबटाबाद और मरी आकर तहरीक आजादी के लिए कैंप कायम किए और आजादी कश्मीर के लिए कायदाना किरदार अदा किया। इसी कायदाना किरदार और जिद्दोजहद आजादी में बेमिसाल किरदार पर आपको गाजी मिल्लत के खिताब से नवाजा गया। आप बिलाशुबा 1947 की जंग आजादी के हीरो हैं। आपके दीगर साथियों में एक नुमाया नाम सरदार अब्दुल कयूम खान का भी है, जो उस वक्त उन फवाने शबाब में थे। गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क्यादत में 5,500 मुरबा किलोमीटर इलाका आजाद करा के 24 अक्टूबर 1947 को सदनूती के इलाके जुंजाल हिल के मकाम पर आजाद कश्मीर की इनकलाबी हुकूमत का कयाम अमल में लाया गया। आप इस हुकूमत के बानी सदर के ओहदे पर फायज हुए। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब की जो तय थी उनका नहीं, हम पाकिस्तान के साथ अपने आप को मुंसलिक करना चाहते और महाराजा अगर अपने आप को पाकिस्तान के साथ वाबस्ता नहीं करता तो हम मुसल्ला जदोजहद का हक महफूज रखते हैं। और वो मुसल्ला जदोजहद का हक जो उन्होंने 19 जुलाई 1947 को अपने घर में करारदाद पास करवा के कहा कि ये महफूज रखते हैं, वो फिर उन्होंने इस्तेमाल किया 2 महीने के 3 महीने के अंदर, जिसके नतीजे में बड़े बड़े मुख्तसर अरसे में ये खिता आज़ाद हुआ और 24 अक्टूबर 1947 को वो उस आज़ाद हुकूमत के पहले जो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी, जिसको बागी हुकूमत भी कहा जाता है, इनकलाबी हुकूमत भी कहा जाता है, उसके पहले बानी सदर वो बने। तो ये था और फिर उन्हीं को मौका मिला कि वो उस आजाद हुकूमत का को बैन अल-अक़वामी तौर पर उसकी नुमाइंदगी कर सकें। और जब शेख अब्दुल्ला वांग है वो महाराजा कश्मीर के नुमाइंदे की हैसियत से गए, सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान साहब वांग है तो उन्होंने कहा मैं कश्मीरी अवाम के नुमाइंदे की है, उन्होंने कहा मैं महाराजा की हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, इन्होंने कहा मैं इनकलाबी हुकूमत का नुमाइंदा हूँ, प्रोविजनल गवर्नमेंट का हूँ, और इन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत को आईनी हुकूमत तस्लीम किया जाए। इनकलाबी हुकूमत के ऐलान से खायफ होकर भारत जंगबंदी के लिए जम्मू और कश्मीर के मामले को अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में ले गया, जहाँ सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान ने कश्मीरियों की भरपूर नुमाइंदगी की और तर्जुमानी का हक अदा किया। कश्मीरियों के जज्बात की इस हकीकी तर्जुमानी के नतीजे में अक़वामे मुत्तहिदा ने अपनी करारदादों में कश्मीरियों के हक के खुद इख्तियारी को तस्लीम किया, जिसकी बुनियाद पर जम्मू कश्मीर के अवाम तकरीबन गुज़श्ता पौन सदी से अपनी आज़ादी की जद्दोजहद का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान 1947, 1957 और 1975 और 1996 में 4 मरतबा आजाद कश्मीर के सदर मुंतखब हुए। यूं आपकी कश्मीरियों की आजादी के लिए जिद्दोजहद उनके लिए सियासी हकूक के हुसूल में तब्दील हुई। वो अपनी आखिरी सांस तक पूरी रियासत की आजादी के मुतमन्नी रहे। सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान आला कानून दान, जीरक इंसान, फाल सियासतदान, उसूल पसंद इंसान, नज्म जब्त के खूगर, खुश अखलाक और मिलनसार शख्सियत के हामिल थे। उनकी ज़राफ़त तबा एक जमाने के लिए मिसाल का दर्जा रखती है। आला तरीन हुकूमती ओहदों पर मुतमक्किन रहने के बावजूद उनकी तबीयत की सादगी अपनी मिसाल आप थी। वो अपने में वो उसी तरह खास करके अपने दोस्तों के साथ, बड़े कम उनके महदूद दोस्त थे लेकिन जो बड़े बेतकल्लुफ दोस्त थे उनके साथ बड़े बेतकल्लुफी से बात करते, उनके एक भाई थे उनसे बड़े थे उनकी और उनकी आपस में बहुत बेतकल्लुफी थी। तो इस तरह मतलब हमारा जो माहौल था वो बड़ा आज़ाद माहौल था और उसमें ये अलग बात है कि वो हमारे साथ दोस्ती की हद तक भी उनकी शफकत होती, लेकिन जब डिसिप्लिन की बात आए तो फिर वो जो बाप बेटे का फासला होता है या बाप बेटी का फासला होता है वो उसका बड़ा ख्याल रखते थे। आपको महल्लात से ज्यादा रगबत और शगफ कोट मत्ते खान के अपने आबाई घर से था, जहाँ आपने अपनी जिंदगी में अपनी आखिरी आरामगाह की जगह का तायुन भी कर दिया था। गाजी मिल्लत 31 जुलाई 2003 को 89 वर्ष की उम्र में अपने खालिक के हकीकी से जा मिले। आपको कोट मत्ते खान में
हजारों सोगवारों की मौजूदगी में सुपुर्द खाक कर दिया गया। खुदा रहमत कुनन ई आशकाने पाकती नतरा।